preview. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो ग्लैमर फिनिश में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर बार अपने शो की शुरुआत एक नए कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्राइडल लुक में एक प्यारा सा फ्यूजन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी मेकअप आर्टिस्ट नम्रता बिष्ट और मॉडल सना। मैं आपको ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करूंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन यह श्योरिटी दूंगी कि यह आपको एक नया लुक देगा। साथ ही साथ हमारी मेकअप आर्टिस्ट आपको कुछ सीक्रेट एलिमेंट्स भी बताएंगी जिनको यूज करके आप अपने लुक को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आज हम क्या फ्यूजन ट्राई करने वाले हैं? यह आप सबके लिए एक सरप्राइज है, तो एंड में पता चलेगा आपको कि क्या होने वाला है। तो चलिए नम्रता, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्यूजन मेकओवर। तो फर्स्ट हम स्प्रे करेंगे ताकि जो भी हमारे फोर्सेस खुले हैं वो सारे लॉक हो जाए। उसके बाद हम 2-3 मिनट्स वेट करेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम ऑयल अप्लाई करेंगे अपना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑयल। 1 ड्रॉप हम डालेंगे फोरहेड पे, 1 हम डालेंगे चीक एरिया पे, 1 हम डालेंगे चिन एरिया पे। फिर अब हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कंसीलर। इसको भी हम थोड़ा सा सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देन मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी। तो नम्रता, जैसा कि हम सबने सुना है कि कंसीलर्स हम बिलो द आईज यूज करते हैं। नहीं, हमें कंसीलर्स आईज में भी अप्लाई करना चाहिए ताकि जो भी हमारे आई शेडोज है उसके जो पिगमेंट्स है वो और ज्यादा अच्छे से एनहेंस होकर आए। जैसे कि किसी किसी की आईज ऑयली होती है तो वो सारा आई शेडोज ऊपर चले जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से। इसको ब्लेंड होने के लिए हमें कितने देर वेट करना होगा? लेकिन टू सेमी ड्राई एंड टू स्टार्ट ब्लेंडिंग 2-3 मिनट्स। नम्रता, जब हम ब्रश यूज करते हैं तो उस वक्त यूज स्ट्रोक्स व्हाइल यू आर डैबिंग? डैब हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो ब्रश में आ जाएगा और हमारे आईज को जितनी भी प्रोडक्ट की नीड होगी उसमें अब्सॉर्ब होने लग जाएगा। Then what is the difference in beauty blender or brush? Blender के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज करेंगे। ब्रश के बाद? हाँ, ब्रश के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज करेंगे अभी, क्योंकि इसके अलावा भी अगर थोड़ा सा भी एक्सेस रह जाएगा हल्का फुल्का भी तो वो ब्यूटी ब्लेंडर में सारा आ जाएगा। तो फर्स्टली वी यूज ब्रश, देन वी यूज ब्लेंडर। यस, जितना भी एक्सेस था वो सारा इसमें आ गया। कंसीलर वी यूज आई शैडो। सबसे पहले मुझे डार्क कलर देंगे, फॉल आउट होगा वो निकल जाएगा सारा। आई शेडो में भी कोई डिफरेंस होता है ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए? नहीं, आई शेडो सबके लिए सेम होते हैं।
That time you was dabbing, now you was like moving it in clockwise anti-clockwise direction. तो इसमें difference क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसलिए करते हैं ताकि जिस जिस एरिया पे थोड़ा बहुत रह गया होगा तो वो सारा उस एरिया पे इक्वली आ जाता है. उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट कलर यूज करेंगे उसको ब्लेंड करने के लिए. सो वी यूज 2 to 3 कलर्स फॉर आई शेडो एंड सबके लिए डिफरेंट ब्रशेस. क्योंकि अगर हम डिफरेंट ब्रशेज नहीं यूज करते तो बार बार हमें अपने ब्रश को क्लीन करना पड़ेगा तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा. देन व्हाई देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्रशेस. एरिया डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर ब्रश भी यूज करने पड़ेंगे. अगर छोटा सा एरिया उसमें बड़ा ब्रश यूज कर लेंगे तो फिर वो ज्यादा लग जाएगा. उसके बाद हम बिल्कुल लाइट कलर यूज करेंगे उसको ब्लेंड करने के लिए. हम डार्क शेड्स को मिड में यूज करते हैं और उससे ऊपर लाइट शेड्स. एंड व्हाट अबाउट दैट लोअर पार्ट ऑफ द आई. उसके लिए हम दूसरे ब्रशेज यूज करेंगे और जो जो हमने ये यूज करे हैं आई शेडोज उसी के साथ. आई हैव सीन जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो आई शेडो से ही लाइंस बना देते हैं जैसे हम लाइनर के वक्त बनाते हैं तो वो आप इन्हीं ब्रशेज से बनाएंगे. हाँ हमें ब्रश को बार बार क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा आई शेडोज ले लेते हैं दोनों को मैच करने के चक्कर में दोनों आईज के तो क्या होता है कि हमारे ब्रश में ज्यादा आई शेडो आ जाता है जिसकी वजह से फिर दोबारा वो कलर बार बार हमें मैच करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. बार बार अपना आई शेडो को चेक करते रहना चाहिए फ्रंट से थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ ही जाता है तो उसको मैच करने के लिए हमें देखना पड़ता है उसे बार बार और फ्रंट से देखे तो ज्यादा बेटर है. We used 3 shades, right? कलर्स तो वैसे हम और भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा जो लुक आता है वो 3 शेड्स का ही आता है. तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ग्लिटर शेड. इसे हम फ्रेश ग्लिटर बोलते हैं. इससे क्या होगा कि हमारा जो आई मेकअप है वो हल्का सा एनहेंस हो जाएगा. हम इसको वैसे फिंगर से भी लगा सकते हैं. फिंगर से वैसे ड्राइंग हो जाएगा जैसे ब्रश से. एक बार लगा के तो दिखाने का फिंगर से. फिंगर से बल्कि ज्यादा अच्छे से लगता है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेकंड फिंगर से हमने आई शेडो लगाया था इससे पहले डार्क वाला उसको अंदर की साइड ऐसे से करेंगे अंदर की साइड पुश करेंगे ताकि जो हमारी लाइंस दिख रही है फिंगर के बीच वो ना दिखे. उसके बाद हम सेम ब्रश उठाएंगे डार्क ब्राउन वाला. आई शेडो नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी होगा और उतने की ही हमें नीड है. तो परफेक्टली ब्लेंड दैट डार्कर शेड विद ग्लिटर. और नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ग्लिटर जिससे कि थोड़ा सा और एनहेंस हो जाएगा हमारा आई मेकअप. सेम डार्क ब्राउन इससे पहले मैं यूज करूंगी ग्लिटर ग्लू. वैसे ग्लिटर्स भी काफी तरीके के आते हैं किसी किसी में ग्लू लगी भी होती है जैसे ये वाले थे हमारे फ्रेश ग्लिटर्स थे और ये हमारे ड्राई ग्लिटर. मैंने थोड़ा सा अपने पाम में ग्लू लिया उसके बाद मैं इस ब्रश से बिल्कुल हल्के हल्के से ग्लू लगाऊंगी
देखो डैप कर रही हूँ। उसके बैक साइड से जो हमें लगे कि हमारी धूप थोड़ी सी कम लगी है तो हम इसके ऊपर फिर बिल्कुल लाइट हैंड से धूप लगाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से डिफरेंस दिख रहा है हमारे इसमें जी। इसके बाद हम अपने ब्रश को क्लीन करेंगे। यहाँ हमारी हल्का सा जो ब्लूज है वो ड्राई हो गया है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में नहीं लगाना, कम को ज्यादा कर सकते हैं लेकिन ज्यादा को कम करना आना वैसे सब चाहिए लेकिन कोशिश ये करो कि कम यूज करें, उसको बढ़ा सकते हैं। आई मेकअप डन। अब हम इसमें स्मज लाइनर यूज करेंगे। तो जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि मेरा लाइनर बिल्कुल सूख चुका है तो उसके लिए ये है ड्यूरेलिन जिसमें हम उसकी एक ड्रॉप डालेंगे। तो वापस जैसा था लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा क्योंकि ये थोड़ा ऑयल फॉर्म में होता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइनर। यस, हमारी ड्रेस ऑलरेडी थोड़ी सी हैवी है तो हम थोड़ा सा आइस को सटल। मैंने सेकंड ब्रश इसलिए लिया है क्योंकि पहले वह अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जितना भी फॉल आउट हुआ है जो भी चीज फॉल आउट हुई होगी सब इसके थ्रू रिमूव हो जाएगा और स्किन को जितना भी ऑयल चाहिए होगा उसने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसके ऊपर जितना भी एक्सेस होगा वो ऊपर आ जाएगा। ज्यादा ऑयल भी हमारे बेस को केकी बनाता है, वो बहुत ज्यादा पैची टाइप दिखता है कि ऐसे लग रहा है कि कितनी लेयर्स लगा रखी है। आई मेकअप तो हमारा हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम करेंगे कंसीलर अप्लाई। इनके फेस में वैसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बस हल्की रेडनेस है तो इसलिए हम यूज करेंगे थोड़ा सा डार्क शेड। कंसीलर्स भी काफी टाइप्स के आते हैं, रेडनेस को कट करने के लिए हम ग्रीन करेक्टर भी यूज कर सकते हैं बट हम यहाँ ग्रीन इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल लाइट चाहिए और हम नहीं चाहते कि ज्यादा हम प्रोडक्ट अप्लाई करें। ऐसा भी होता है ना कि हमारे चीक्स की स्किन ज्यादा फेयर होती है एज कम्पेयर टू हमारे फोरहेड की स्किन, तो वहाँ पर भी वी गोना यूज सेम कंसीलर लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा डार्क हुआ। तो हमें तो जब हम कंसीलर यूज करते हैं तो क्या वो हमारे मेकअप में अलग से विजिबल होता है? सबका अपना अपना वे होता है, कोई कोई करेक्टर्स यूज कर लेते हैं कलर्स वाले लेकिन कोई कोई नहीं करता। कुछ ये बोलते हैं कि कलर्स वाले जो करेक्टर्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं मेकअप में, लेकिन कुछ कुछ है जो यूज करते हैं। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि अगर हम कलर करेक्टर्स यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा बेस लगाना पड़ता है। अगर हम अपनी स्किन कलर का डार्क कलर लगा के उसके ऊपर अपने स्किन टोन का बेस लगाए तो उससे इतना हमें बेस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो दोनों मर्ज हो जाएंगे एक साथ। मोस्टली गर्ल्स को ये डाउट होता है हमेशा कि कॉन्टोर की लाइन कौन सी होती है, हाइलाइटर और ब्लश की लाइन कौन सी होती है, कंसीलर की लाइन कौन सी होती है। तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को शो कर सकते हैं कि किस जगह पे कंटोर यूज होगा और किस जगह पर ब्लश और लाइन? वो
ब्लश और हाइलाइटर। हमारा जो कंटूर है वो हर तो सब चीक एरिया से ऊपर हुआ, हमारी चीक्स लाइंस होती है तो थोड़ा सा ऊपर, और जैसे ये हमारी हो गई कंटूरिंग लाइन, इससे जस्ट ऊपर हम लगाते हैं ब्लशर, और जो कंसीलर एरिया होता है हमारा वो हम वही यूज करते हैं जहाँ हमारे पिगमेंटेशन होती है, जैसे इनकी रेडनेस थी और किसी किसी के डार्क सर्कल्स होते हैं, फोरहेड होता है, माउथ एरिया होता है, वहाँ वहाँ हम कंसीलर यूज करते हैं। एंड फॉरवर्ड पर्पस कंटूर इज बेसिकली यूज्ड, कंटूर हमारे फीचर्स को और ज्यादा एनहेंस करता है और फेस को एक कट देता है, जो कि हमारा कभी कभी जैसे फैट होता है फेस पे तो उसकी वजह से वो एक प्लेन सा हो जाता है, तो फेस को हल्की सी कटिंग देना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हमारा फेस में हम जो भी हम अपना मेकअप करते हैं वो एनहेंस हो जाता है, इसलिए वो प्रोमिनेंस लाइंस जो होती है चीक एरिया, जो हमारा ब्लशर होता है और कंटूरिंग, वो सब चीज़ें दिखती है। थोड़ा सा बेस पे स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। हाँ, अब हर कोई तो ज़्यादा बेस ले नहीं सकते क्योंकि काफ़ी सारे स्किन टोन्स होते हैं हमारे इंडिया में, सो उसके अकॉर्डिंग हमें मिक्स एंड मैच करना आना चाहिए। As you can see कि मैंने ज़्यादा कंटूरिंग नहीं की या ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ नीड ही नहीं है हमें इनके फेस में ज़्यादा। Even I have seen कि जब हम ज़्यादा लेयर्स अप्लाई करते हैं फेस पर तो वो अलग से शो हो जाता है, that cakey face look शो हो जाता है अलग से। वो इसलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादातर अगर नीड भी नहीं होती उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं, लगाते रहते हैं कि यहाँ ऐसा दिख रहा है वहाँ ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कम बेस ही अप्लाई करना चाहिए फेस पर। सारा खेल डैबिंग का, जितना ज्यादा डैब अच्छे से डैब करोगे, जितना लाइट हैंड से डैब करोगे स्किन उसको अब्सॉर्ब करके मतलब एक केकी लुक ना देगा, लाइक फ्लॉलेस लुक देगा जी। जब भी हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसके ऊपर हमेशा हमें पाउडर यूज करना है उसी प्रोडक्ट का, फॉर व्हिच पर्पस, ताकि हमारा जितना भी क्रीम भी होती है कि वो हमारे हाथों पे आ जाएगी ऐसे करेंगे तो पाउडर से क्या होता है वो लॉक हो जाता है, इसकी वजह से वो हमारे हाथ पे या हमारी ड्रेस पे कहीं पे भी नहीं आएगा, सेम बेस हम सेट हो जाते उससे एक तरीके से। okay. हम बोलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्रीम वाला वो सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। हमारा क्रीम कंटूर है हम उसे अपवर्ड की साइड अपवर्ड मोशन में ब्लेंड करेंगे। नेक पे बेस लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि समटाइम्स वी हैव सीन कि दैट मेकअप ब्लेंडर वाला सीन कि लोग मेकअप तो यूज कर लेते हैं बट उसको नेक से मैच नहीं कर पाते अपने स्किन टोन को। अब हमें सबसे पहले यूज करना है, सबसे पहले हाईलाइट करना है हमें अपने एरिया, बहुत ही खतरनाक हम करेंगे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, क्योंकि ऑल स्किन टाइप होता है
सबसे ज्यादा हम करेंगे हम अपने अंडर आई, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे हमारी लाइन आ जाती है, किसी किसी की नेचुरली आ जाती है। नम्रतल लोग मोस्टली कहते हैं कि हमारी स्किन ज्यादा मेकअप यूज करने से खराब हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसमें आपके क्या सजेशंस होंगे? सी कि क्या होता है कि लोग मेकअप कर लेते हैं लेकिन स्किन केयर नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेकअप का। ये बात सच है कि जितना तुम कुछ चीज को एक्सेस अमाउंट में यूज करोगे तो उसका डिसएडवांटेज है ही, लेकिन जब भी हम मेकअप रिमूव करते हैं उसके बाद हमें स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जितना भी जो फेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स जो हमारे पोर्स के अंदर रह जाते हैं तो वो उसको क्लीन करने के लिए हमें क्लींजर और हमारा हो गया रोज वाटर, उसके बाद हमें एक मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर लगानी चाहिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे स्किन टाइप्स होते हैं ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, तो इन सब के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। और एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है एक लड़की और एक लड़के के लिए भी? सबसे पहले तो एक अच्छा फेस वॉश या फिर आप कह सकते हैं कि होममेड रेमेडी यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। उसके बाद हमें स्प्रे यूज करना बहुत जरूरी है, फेस स्प्रे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें सनस्क्रीन या फिर आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें सनस्क्रीन रोज यूज करनी चाहिए सन से बचने के लिए, जो उसकी रेज आती है तो हमारे फेस को बहुत ज्यादा खराब करती है। ब्रॉन्जर और कंटूरिंग में फर्क होता है। ब्रॉन्जर क्या होता है वो बहुत ज्यादा लाइट इफेक्ट देता है हमारे फेस को, जो भी हम कटिंग करते हैं अपने फेस की, जैसे हमारा ये हो गया चीक बोन्स, लेकिन कंटूरिंग से क्या होता है वो ज्यादा अच्छे से कटिंग हो पाती है, क्योंकि वो क्रीम होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म जितने भी होते हैं हमारे फेस जो भी हम सिर्फ बेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग जितने देर तक रखेंगे वो थोड़ा लाइट होता रहता है, लेकिन क्रीम कंटूर एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादा टाइम तक स्टे रह पाती है फेस पे, तो हमें हमेशा कंटूरिंग के बाद ब्रॉन्जर यूज करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ब्लशर। जैसे कॉन्टोर को हम अपनी बोन्स को और ज्यादा एनहांस करके दिखा सकते हैं, ब्लशर किस लिए यूज होता है? ब्लशर बस थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देने के लिए, ताकि हमारे चीक्स और ज्यादा अच्छे से एनहांस हो जाए चीक, क्योंकि जो हम अपना कंटूरिंग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि हमारी जो लाइन है चीक लाइन है वो और अच्छे से दिखे। हम कैसे शेड का वो रखते हैं, ब्लशर रखते हैं? लाइक ये ड्रेस के साथ चेंज होता है या फिर हर ड्रेस पर आप सेम ब्लशर रख सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है कि जो ऑल टाइप चले जाते हैं जो हर हमारे ड्रेस के साथ चले जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा सब्बल सटल है ये, तो ये हमारे हर उसके साथ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ पिंक लगाते हैं, लेकिन जैसे इनका कलर फेयर है तो हम इनमें मोस्टली कलर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डार्क होते हैं तो हमें उनमें थोड़ा वार्म शेड यूज करने चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पिंक पिंक अजीब सा ना लगे उनके साथ, ड्रामेटिक ना लगे। काजल, काजल इज यूज्ड कि हमारी आंखें और ज्यादा बड़ी लगे। हाँ, तो वो वाइट काजल होता है जिससे हमारी आईज थोड़ी सी बड़ी दिखती है, लेकिन इनकी आईज ऑलरेडी बड़ी है तो हम ब्लैक वाला यूज करते हैं। ओपन करो। एंड व्हाट अबाउट कि आजकल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के काजल आ रहे हैं, लाइक ग्रीन, ब्लू, वो कहाँ यूज हो सकते हैं बेस्ट? आजकल क्या है कि सब कंट्रास्ट में भी यूज करते हैं,
तो अगर हम पिंक, हमारी ड्रेस ग्रीन कलर की है और हम पिंक आई शेडो लगा रहे हैं, तो हम उसके नीचे अपना ग्रीन कलर का आई शेडो, ग्रीन कलर का काजल यूज कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा कंट्रास्ट, थोड़ा सा फैशनेबल दिखे। और जिनकी आईज थोड़ी सी ऑयली हो, वो उनको कैसा काजल यूज करना चाहिए? लाइक देयर इज अ डिफरेंस इन काजल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं ये वाली बात, लेकिन अगर किसी किसी की आईज ऑयली होती है तो उनको क्या करना चाहिए, काजल यूज करने के बाद आई शेडो यूज करना चाहिए ब्लैक कलर का, ताकि ऑन वाटर लाइन, हाँ क्योंकि वो लॉक हो जाएगा उससे। जैसे मैंने बताया था कि क्रीम, कंटूर, उन सबको या बेस को लॉक करने के लिए हमें पाउडर यूज करना जरूरी है। फॉर ब्राइडल मेकअप ओनली या फिर हर ओकेजन के लिए? ड्रेस अकॉर्डिंग करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, क्योंकि ड्रेस काफी ज्यादा हैवी है जी, तो हम अब सब कुछ आईज भी हैवी कर लेंगे और हैवी लुक दे देंगे और लिपस्टिक भी डार्क लगा लेंगे, तो कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगा जी। तो इसलिए मैंने आईज सर्टल रखी है और लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क जाएगी। वैसे इनके आईब्रोज बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो हम बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में लेंगे, बस हल्की से शेप देंगे जहाँ से मिसमैच हो रखी है। Now we're gonna use lipstick, right? Right. So this is our last step, or after this we're gonna do anything else? Last होगा सिर्फ eyebrow bone के पास eye shadow लगेगा, फिर eye shadow बस, फिर जाना। So ma'am, just say mostly girls hoti hai, while they are using lipstick, they use lip liner of different color. So lip liner ki need kahan hoti hai aur kaun sa shade ka use karna chahiye? Lipstick se match karta hua ya kaisa? Lipstick se match karte hue hi use karne chahiye hame lip liners. Lekin wo depend karta hai, lip liners hum mostly isliye use karte hai taki hum apni lips ko ek shape de sake. Lekin jab हम एक ही ब्रश से उसको शेप दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो हम लिप लाइनर यूज करें। अगर और जैसे खाना खाते वक्त और बात करते वक्त मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा जो लिप कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो उसके लिए, उसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अच्छी ब्रांड की लिपस्टिक, बाकी मैं तो यही, मुझे तो यही लगता है कि लिपस्टिक्स मोस्टली हट ही जाती, लाइट हो ही जाती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिप्स को टच होते हुए जाती है, वो जाएगी ऑब्वियसली तो इसलिए। बाकी हम अगर हमें थोड़ा ज़्यादा स्टे चाहिए अपने लिपस्टिक पे, तो हमेशा हमें लिप्स में लिप बाम यूज करना चाहिए बिफोर यूजिंग लिपस्टिक। राइट। सी जैसे हम ब्राइडल फ्यूजन कर रहे हैं और ब्राइड्स को मोस्टली लाइक 7 to 8 hours उनका जो मेकअप है वो स्टे करना चाहिए अलॉन्ग विद देयर लिपस्टिक, तो उसके लिए आई आस्क दिस क्वेश्चन कि वो क्या यूज करें ऐसा कि उनकी लिपस्टिक लाइट ना हो। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होता है, अगर तुम 10 रुपए वाले लिपस्टिक और 2,500 वाले लिपस्टिक यूज करोगे तो उसमें तो फर्क आता ही है। Thank you.
लास्ट हमारा स्टेप होगा फिक्सिंग स्प्रे, तो थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देंगे एंड इट्स डन। तो अब हमारा मेकअप पूरा हो चुका है, तो आइए देखते हैं हमारी ब्राइड का कंप्लीट लुक। तो ये है हमारा फाइनल फ्यूजन लुक। कल हम वापस से मिलेंगे आप सभी से, तब तक की देखते रहिए ग्लैमर फिनिश।